जय जय भवानी, जय 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 शिवानी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर माता के जय। वंदे वंदे मातरम। विपुल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विपुल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सभी जो हमें है, मेरा के इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है आप, एम्पल मिशन जो हर आपदा में सेवा कार्य करता है देश भर में, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता और शॉर्ट फिल्म भी आप बनाते हैं, तो माननीय अनिल जी काशीमोला का आपका यहाँ पर स्वागत है। यह हमारी करिश्माताई भोसले, यह मुंबई के मस्जिद की भोंगों की समस्या से आप सभी इनसे परिचित है कि पढ़ाई करने के लिए मस्जिद के भोंगे अगर तकलीफ देते हैं तो स्ट्रेट वे जाकर मस्जिद में वो भोंगे बंद कराने वाली है दुर्गा, सारी दुनिया भर में अपने इस साहस से परिचित करने वाली। मैं करिश्माताई को निवेदन करूंगा आप हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष अनिल भाई मोरा जी का सम्मान करें। जय श्री राम। दूसरी हमारी यहाँ पर जो आज के इस कार्यक्रम के सारे देश और दुनिया में यह शिव धनुष अपने कंधों पर लेकर जाने वाले माननीय विपुल जी शाह, इस फिल्म के निर्माता है और आर्ट डायरेक्टर है, कला निर्देशक है, इनका स्वागत और सम्मान हमारी साक्षीदाई गायकवाड़। इस समस्या को जो आपने दिखाया है, ऐसी 300 से अधिक लड़कियों को जिन्होंने पुनश्च यहाँ लाया है, उनका विवाह है हिंदू धर्म में पुनश्च कराया है, जो मुस्लिम बनी थी उनका रियलाइजेशन किया, ऐसे साक्षीदाई गायकवाड़ जी से यहाँ पे तो एक रील में और एक वीडियो में दोनों का भी संगम हो रहा है। तो तीसरा, इस बहुत ही खूबी से सुदीप्तो जी सेन इस पिक्चर के निर्देशक है और बहुत ही बखूबी से एकदम सुंदरता से जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, तो उनका सम्मान हमारी गायत्री ताई गुहाय इस विषय में नई मुंबई में कार्य करती है। गायत्री ताई गुहाय इसी विषय पर नई मुंबई में कार्यरत है, लव जिहाद के साथ साथ में गौशाला और अन्य विषय में भी सक्रिय है। आप आसाम से हैं और यहाँ पर मंत्रालय में शासकीय सेवा भी देती है, अपनी एनजीओ भी चलाती है और आध्यात्मिक भी साधना आप करती है। तो गायत्री ताई गुहाय से हमारे इस सुदीप्तो सेन जो पिक्चर के निर्देशक, उनका स्वागत। साथ साथ में आशीष जी शाह, आप सह निर्माता है इस फिल्म के, सांता क्रूज के स्क्रीन में उन्होंने जो बताया था केरल में जिस प्रकार से उन्होंने जाके गहराई से रिसर्च किया है इस फिल्म के लिए, बहुत ही ठीक है डायरेक्टर साहब ने किया है, लेकिन उनका भी योगदान महत्वपूर्ण है। तो हमारी नीतू सिंह जी और गौरी शेला, आप दोनों दुर्गाओं को मैं निमंत्रित करूंगा, आप दोनों के माध्यम से हमारे अश्विन जी का स्वागत और सम्मान किया जाए। दोनों भी लव जिहाद के विषय में पश्चिम मुंबई और गौरीताई अपनी रायगढ़ अलीबाग पनवेली क्षेत्र में सक्रिय है, लव जिहाद के अनेक बहनों को उन्होंने पुनर्चलाया है। साथ साथ में और एक परिचय, नेहा जी कड़किया, नेहाताई कड़किया 20,000 महिलाओं का आत्मनिर्भर समूह चलाती है, हस्ताक्षर करके एक उनका ग्रुप है
और सेल्फ वीमेन नाम का एनजीओ है, तो मैं प्रीतिता को निवेदन करूंगा आप उनका सम्मान कराइए। एक सम्मान विशेष रूप से राहुल गुप्ता, ये जरा युवक आगे आ जाए, ये इंजीनियरिंग करता है युवक। इस युवक का सत्कार इसलिए विशेष रूप से, ऐसी कई बहनें जाती हैं, हम उनको लेकर तो आते हैं, लेकिन ऐसी भयंकर घटना के पश्चात भी लवजात की शिकार युवती को हिंदू धर्म में लाने के साथ उनसे विवाह करना और उनका घर बसाना, ये बड़े साहस का काम है। ऐसे हजारों इस युवक ने, यह एक उन युवकों का रिप्रेजेंटेशन है कि उन बच्चों का क्या, तो ऐसे युवक हिंदू समाज में है कि यह युवक ऐसी बहनों को पुनश्च हिंदू धर्म में लाकर उनका विवाह सम्मान से उनको पुनश्च जीवन जीने के लिए वह आज मार्ग प्रशस्त करते। राहुल इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है, अच्छे पढ़े लिखे है और बहुत ही बड़े विशाल मन के ये कार्यकर्ता, बहुत शांत है, संयमी है, निर्व्यसनी है, संस्कारित परिवार से है, और क्योंकि ये एक युद्ध है, वो बहन हमको पता नहीं कि उस युद्ध में खड़ी है, तो वो सारी परिस्थिति जानकर उस बहन के साथ विवाह करते हुए उसको पुनश्च अच्छे जीवन पर लेके जाना, तो मैं आप सभी महानुभाव से कहूंगा कि आप इनका सम्मान करिए, तो यह सभी के लिए प्रेरणा होगा कि इस प्रकार से हिंदू युवक आगे आए और ऐसे युवक जो 32,000 से अधिक बहने हैं उनको पुनश्च हिंदू धर्म में लाकर उनकी घर गृहस्थी बसाना, यह सही उद्देश्य में उसने गाय मारी, राक्षस गाय मारता है, हम बछड़ा नहीं मार सकते। उन्होंने हमारी बहन खराब करने का प्रयास किया, हम किसी की बहन नहीं खराब करते, हम हर नारी में देवी देखते हैं, दुर्गा देखते हैं, वो किसी भी पंथ संप्रदाय विशेष की हो। तो आज के कार्यक्रम का विशेष रूप से यही विषय था। मैं अनिल भाजी से दो शब्द कहे और बाकी भी सभी मानने वाले दो दो शब्द कहे, संक्षिप्त नेता व्यक्त करता हूँ। देखिए मुझे मालूम है आप लोग फिल्म की आधा फिल्म देखे हैं कि ये फिल्म में जब फिल्म फर्स्ट हाफ खत्म होता है बहुत ही इमोशनल एक मोमेंट में खत्म होता है, तो मुझे मालूम है हम लोगों की बात आप अभी सुनना नहीं चाहते हैं। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, विपुल सर बॉम्बे में रहते हैं, अश्विन बॉम्बे में रहते हैं, आप लोग फिल्म देखिए, कोई भी सवाल है बात करना है हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले फिल्म तो देख लीजिए आप लोग। दादा ने कह ही दिया है कि फिल्म पहले देखी, मुझे बताया गया कि आप लोग सब पहले फिल्म देख चुके हैं और आज आप लोग आए हैं, आपके पूरे प्रयास का एक इतने वक्त में आपने इतने लोगों को फिल्म दिखाई, इसका जो प्रचार किया, जो लोगों तक पहुंचाने का काम किया, तो आज आप सब एक साथ बैठ के इस फिल्म का को देखना चाहते थे और इसलिए ये शो ऑर्गेनाइज किया गया ऐसा मुझे पता है। तो आप सब ने जो भी इस फिल्म के लिए किया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। और एक इस विषय को देश के सामने लाना कितना ज़रूरी था, ये इस फिल्म की रिलीज के बाद ऑलमोस्ट रोज़ ही हमें कुछ ना कुछ जानने को मिल रहा है। दो दिन पहले दिल्ली में एक बहुत भयानक हादसा जो हुआ साक्षी नाम की लड़की के साथ, तो जो साहिल जो कि अपराधी है उसको मैं किसी धर्म या किसी जाति से नहीं जोड़ता, मैं उसको सिर्फ टेररिस्ट कहता हूँ, और ऐसे हर टेररिस्ट को एक्सपोज करके उसे सजा दिलवाना यह हम सबका एक फर्ज है। यही कोशिश हमने इस फिल्म के थ्रू की है, हम ना किसी मजहब ना किसी जाति के अगेंस्ट हैं, पर हर साहिल जो साक्षी के साथ जो करता है उसके हम अगेंस्ट हैं और रहेंगे, सो हम सब अपना काम करते रहें, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। मैं अनिल जी से निवेदन करूंगा, उनकी एक खासियत रही है कि ऐसे कार्यक्रम के समय एक बहुत ही क्रिएटिव पेंटिंग्स वह माननीय विपुल भाई जी को सौंपेंगे, सभी अतिथियों के लिए उन्होंने पेंटिंग लाई है, तो अच्छी पेंटिंग है, माननीय विपुल भाई जी को अनिल भाई
साथ साथ में निर्देशक साहब के लिए एक पेंटिंग है और सह निर्माता साहब के लिए भी पेंटिंग है। तो अनिल भाई जी, आप सुजीत को भी ये सारी भावनाएं एक पूरा उस पर लाइट आ गया, अपनी भावना को दर्शाती। और एक चित्र क्या बात, हमारे अशिन भाई शाह सह निर्माता है अशिन भाई के लिए। और अशिन भाई के लिए अनिल भाई मुराद का, हमारे जिला के सारे संयोजक आगे आइए। जिला संयोजक सर मुरारका जी, कुछ दो शब्द आप भी बोल दीजिए, थोड़ा सा दो शब्द बोल दीजिए जी। अनिल भाई प्लीज, एक सेकंड में सिर्फ एक पॉइंट जो रह गया, आज हमारी जो अभिनेत्रियां अदा वो भी आना चाह रही थी और वो बहुत उत्साहित थी यहाँ आके आप सबसे मिलने के लिए, लेकिन उनके बिल्डिंग में उनके करीबी रिश्तेदार के यहाँ एक दुखद प्रसंग होने की वजह से उन्हें लास्ट मोमेंट पे बैकआउट करना पड़ा। तो उनका ये कहना है कि आगे कोई एक कार्यक्रम में वो आप सभी से मिलना ज़रूर चाहेंगी और आप लोगों से संवाद करना चाहेंगी, तो मैं वो मनोज भाई के साथ प्लान करके वो ऑर्गेनाइज करूँगा ताकि आप सब उनको मिल सके और आपके दिल में जो भी बातें हैं वो उनसे शेयर कर सके। थैंक यू वेरी मच। हमारी ये फ्यूचर की हेल्प लाइन आने वाली है, गरीब जिला के संयोजक जरा सभी आगे आइए। आप सभी को ये सभी फील्ड में काम करने वाले कार्यकर्ता है, 100 से अधिक फील्ड में जिन्होंने यहाँ पर जी जाइए आइए सभी जिला संयोजक आइए समय नहीं है। उत्तम माला जी हमारे विद्यापीठ जिला के संयोजक और पत्रकार, फिर दाबोलकर जी रविंद्र दाबोलकर, मुंबई का एक बहुत बड़ा मोर्चा लव जिहाद लाइन जिहाद पर दादर में आयोजित हुआ, साथ में हमारे रोहित कुलकर्णी हमारे खोपोली से आए हैं, साथ में ठीक है जल्दी जरा जल्दी समय की कमी है टीम है, क्योंकि मुझे की टीम है सभी को, राजेश कोटियन हमारे अंधेरी के कार्यकर्ता, शशांक राय शांता क्रूज चेंबूर गोवंडी के, संदीप टेटमे जी है सभी, जरा दुर्गा सेवी जी का जरा आगे आइए जो अभी महिलाओं की टीम थी, सभी का सभी की चित्र हो जाएगी, सारी दुर्गा है सारी बहनें जो अभी इस विषय में कार्यरत है जरा इनकी तस्वीर जरा। हाँ मनोज जी, इस कार्यक्रम के शिल्पकर्ता मनोज जी, सभी फिल्म की टीम ने जो विपुल भाई के माध्यम से कमिटमेंट करी है, मुंबई में हम जो हेल्पलाइन पुनः चालू करने वाले लव जिहाद मुक्ति हेल्पलाइन, उस समय आदा जी के उपस्थिति में हम करना चाहेंगे, तो आपसे निवेदन है सारी इस विषय में कार्यरत टीम और ये सारी कलाकार उपस्थित रहे ऐसा आपसे निवेदन है। उन्होंने शब्द तो दिया ही है, एक ही फिल्म में वन शॉट और एक ही बार में इतने सारे लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं, वी आर गेटिंग वैलिडेटेड। दूसरी बात, उससे कितने लोग जागरूक हो गए हैं, कितने लोगों ने बायकॉट किया, उनको छोड़ से बाहर आ गए हैं, ये फिल्म नहीं है कि जागरूकता फैलाया। बहुत बहुत धन्यवाद जागरूक युवा मंच के जय जी, ये सारे फिल्म का कोऑर्डिनेशन करने वाले जागरूक युवा मंच के कोऑर्डिनेटर जी, क्या बात है बताना सर, सर एक मिनट बता क्या बात है, क्या है बता अभी, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ क्या बात है। फोटोज हमें कैसे मिलेगा, फोटोज हमें नंबर कितना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू टीम को भी आरंभ करके पुनः सभी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद सभी। आप सभी इस विषय में कार्य करेंगे लव जिहाद लाइन जिहाद की इस आसुरी समस्या को समाप्त करने के लिए, लव जिहाद मुक्त महामुंबई यह संकल्प पूर्ण करने के लिए सब कार्य करने वाले हैं, इसलिए सभी का संपर्क नंबर
यहाँ पर रखा गया है, तो बुक सारी वहाँ पर आप अंत में जमा करेंगे और पिक्चर समाप्त हो।